हम सब के अंदर एक शौक होता है रिस्क लेने का, कुछ डेयरिंग करने का। शरारत सिर्फ बच्चों की चीज नहीं है, लोग बड़े होकर भी कुछ ऐसा करने का शौक जरूर रखते हैं जिसे समाज पसंद नहीं करता है। लेकिन मम्मी की चप्पल, पापा की वसीयत और बीवी के बेलन जैसे नुस्खे उसे लाइन पर बनाए रखते हैं, और ऐसे में वो जो रिस्क लेने का अरमान होता है वो छोटी मोटी जगहों पर निकलता है, जैसे रेड लाइट होने पर भी गाड़ी निकाल लेना, मास्क गले में लटका कर गोलगप्पे खाना, या फिर ब्लैक हैट एसईओ सिखाने का दावा करना। ऑलमोस्ट हर डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट के सिलेबस में ब्लैक हैट एसईओ जरूर होता है, और मैंने कई बार कहा है कि ब्लैक हैट एसईओ जैसा कुछ नहीं होता है, लेकिन अगर आप एक नॉर्मल इंसान हैं तो आप कंपैरिजन करेंगे कि एक तरफ ये 40,000 सब्सक्राइबर वाला छोटा आदमी है और दूसरी तरफ 40,000 की फीस लेने वाले 1,500 इंस्टीट्यूट। जरूर इसी को ये नहीं आता होगा, इसीलिए बोलता रहता है कि ब्लैक हैट एसईओ जैसा कुछ होता ही नहीं है। तो मैं आज आपको एकदम शॉर्ट में बताता हूं कि मेरा रीजन क्यों है ये कॉन्फिडेंटली कहने का कि ब्लैक हैट एसईओ होता ही नहीं है। सो ब्लैक हैट एसईओ, टोपी के कलर से पहले हमें ध्यान देना चाहिए एसईओ वर्ड पर। एसईओ क्या होता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। श्री अमिताभ बच्चन जी ने एकदम सही फरमाया था कि इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज। नाम रखते टाइम घोचुओं ने ये नहीं बताया, ये क्लियर नहीं किया कि सर्च इंजन का ऑप्टिमाइजेशन करना है या सर्च इंजन के लिए ऑप्टिमाइजेशन करना है। उस एक दिन का फैलाया हुआ रायता आज तक समेट रहे हैं हम लोग। बट अनलेस एंड अंटिल आप सुंदर पिचाई को मामा बोलते हो, सर्च इंजन का ऑप्टिमाइजेशन आप नहीं कर सकते हैं। गूगल या माइक्रोसॉफ्ट बिंग या याहू का भी कोड हम ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते हैं। सो कॉमन सेंस यही कहता है कि हो ना हो एसईओ का मतलब होता है सर्च इंजन के लिए ऑप्टिमाइजेशन करना। सो एसईओ का काम है वेबसाइट को सर्च इंजन के लिए ऑप्टिमाइज करना। एक सर्च इंजन आखिर क्या चाहता है? आपकी वेबसाइट ढूंढने में आसान हो। इसके लिए आप कुछ बैकलिंक्स बनाते हैं, आपकी वेबसाइट के होम पेज में आने के बाद अंदर के सारे पेजेस तक पहुंचना आसान हो। इसके लिए आप साइट मैप वगैरह सबमिट करते हैं, इंटरनल बैकलिंक बनाते हैं। नंबर 3, आपकी वेबसाइट ब्राउज करने में इजी हो। इसके लिए आप अपनी वेबसाइट की परफॉर्मेंस को बढ़ाते हैं, टेक्निकल इश्यूज को फिक्स करते हैं, और सर्च इंजन यूज करने वाले जिन क्वेश्चंस का आंसर ढूंढ रहे हैं वो आपकी वेबसाइट में हो। इसके लिए आप ओरिजिनल हाई क्वालिटी और यूनिक कंटेंट को पब्लिश करते हैं। सिंपल ना, इसमें कोई काली टोपी वाला कहां से आ गया? ये सब तो नॉर्मल सा काम है, सीधे तरीके से किया जा सकता है। वेल, करीब 2000 से 2005 के बीच में वेबसाइट्स को रैंक करने के लिए कुछ ट्रिक्स यूज की जाती थी। उस वक्त सर्च इंजन इतने स्मार्ट नहीं थे। सो अगर आप किसी पेज में व्हाइट बैकग्राउंड पर व्हाइट कलर के टेक्स्ट में अपने कीवर्ड को 100 बार लिख दें तो मे बी आपका पेज रैंक कर जाए। लोग आर्टिकल स्पिनर जैसे टूल्स यूज करते थे और उसके एक आर्टिकल की 100 कॉपीज बनाकर पोस्ट करते थे। लोग सैकड़ों ब्लॉग्स का प्राइवेट ब्लॉगिंग नेटवर्क बनाकर रखते थे जिसे डॉलर लेकर बैकलिंक देते थे, लिंक पिरामिड बेचे जाते थे। मिर्जापुर का फर्स्ट सीजन लग रहा होगा ना, ऐसा ही था कुछ। नाउ ये सारे काम करने वाले लोग अपने काम को क्या नाम देते, अपने आप को क्या नाम देते? सर्च इंजन के लिए ऑप्टिमाइजेशन तो कर नहीं रहे थे, सो अपने आप को एसईओ नहीं बोल सकते थे। और चोर खुद को चोर नहीं बोलता है, इसलिए अपने फर्जीवाड़े को एक शरीफ नाम देने के लिए एक वर्ड निकाला गया, ब्लैक हैट एसईओ। ब्लैक हैट प्रोग्रामिंग वर्ड से उधार लिया गया है। प्रोग्रामिंग की दुनिया में हैकर उसे कहते हैं जो नॉन स्टैंडर्ड मेथड से कंप्यूटर से कोई काम करा सकता है, और ब्लैक हैट हैकर उसे कहते हैं जो अपने फायदे के लिए क्रिमिनल इंटेंशन से हैकिंग करता है। सो इन अति उत्साही युवकों ने इस वर्ड को उधार लेते टाइम ये नहीं सोचा कि ये वर्ड क्रिमिनल इंटेंशन वाली एक्टिविटीज के लिए यूज किया जाता है। सो टेक्निकली ब्लैक हैट एसईओ विकिपीडिया के डेफिनेशन के हिसाब से ही क्रिमिनल और गलत इंटेंशन वाली एक्टिविटी है। एक मिनट के लिए खुद सोचिए कि आखिर कैसे ब्लैक हैट एसईओ को इंस्टीट्यूट्स अपने ब्रोशर में, सिलेबस में छापते घूम रहे हैं। ये तो वैसा ही है जैसे मेडिकल इंस्टीट्यूट अपने कोर्स में सुपारी किलर्स के लिए क्रैश कोर्स निकालें। अब मिर्जापुर का सेकेंड सीजन लग रहा है ना। Amazon Prime वालों ने वीडियो स्पॉन्सर नहीं किया है, भाईचारे के नाते प्रमोट कर रहे हैं। पंकज त्रिपाठी का शो है, शो में कैरेक्टर भी त्रिपाठी हैं, हम भी तिवारी हैं, सो भाईचारा समझ लो, देख डालो अगर नहीं देखा है। खैर, जो हुआ सो हुआ, बट मान लीजिए कि आपको रिस्क लेने का शौक है, आपने स्कैम 1992 देखा हुआ है और आपका मानना है कि रिस्क है तो इश्क है और आप ब्लैक हैट एसईओ सीखना ही चाहते हैं, तो जरा सोचिए कि आज 2020 में ये किसी काम का है? 2020 भी कितना बचा है, सोच लीजिए कि हैप्पी न्यू ईयर और उसके आगे वाले टाइम में 2021 में क्या ये काम करेगा। ये जानने के लिए हम वापस आते हैं अपनी स्टोरी पर। सो ये PBN, लिंक स्कीम, स्पेंड कंटेंट, इन सब का गेम बढ़िया चल रहा था, बट धीरे धीरे गूगल ने इस गंदगी को साफ करना शुरू किया। गूगल की पेंगुइन एल्गोरिदम ने फर्जी बैकलिंक्स वाली वेबसाइट को डिमोट और डीइंडेक्स करना शुरू कर दिया। PBN पेड लिंक्स और बेकार के लिंक एक्सचेंज को पनिश करना शुरू कर दिया, और पांडा अपडेट ने स्पिंड कंटेंट या थिन कंटेंट वाली वेबसाइट को डीइंडेक्स और डिमोट करना चालू कर दिया। सो पेंगुइन फर्जी बैकलिंक्स पर लगाम लगाने लगा और पांडा ने फर्जी कंटेंट पर कंट्रोल किया, और फिर आई
हमिंगबर्ड अपडेट, हमिंगबर्ड एल्गोरिदम, जिसने सर्च रिजल्ट्स को कीवर्ड से हटाकर कीवर्ड के मीनिंग और उसके इंटेंशन पर फोकस करना शुरू किया। सो अब कीवर्ड स्टफिंग से मिलने वाला फायदा बंद हो गया और सर्च इंजन्स यूजर को सही रिजल्ट्स देने लगे। पेंगुइन, पांडा, हमिंगबर्ड, इन तीनों एल्गोरिदम्स में काफी सारी अपडेट्स हुई ओवर द टाइम और धीरे धीरे ये तीनों एल्गोरिदम्स मेन गूगल एल्गोरिदम का पार्ट बन गई। सो अब गूगल हर सर्च रिजल्ट को देने से पहले क्वेरीज की नेचर को चेक करता है, जो वेबसाइट सर्च रिजल्ट्स में आ रही है उसके कंटेंट को देखता है और बैकलिंक्स की क्वांटिटी की जगह क्वालिटी को देखता है और फिर वेबसाइट्स को रैंक करता है। जो लोग ब्लैक हैट एसईओ के नाम पर बैकलिंक्स का गेम प्लान करते हैं उनको गूगल ट्रेस करके तुरंत मैनुअल पेनल्टी का चालान दे देता है। अगर कोई कंटेंट को स्पिन करके वेबसाइट में डालता है या कॉपी करके दूसरी वेबसाइट्स पर डालता है तो गूगल उनके पेजेस को इंडेक्स ही नहीं करता है, और अगर कोई स्ट्रक्चर डाटा को लेकर होशियारी दिखाने की कोशिश करता है तो अब स्ट्रक्चर डाटा की वजह से भी मैनुअल पेनल्टी गूगल देने लगा है। गूगल के पास दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज से निकले हुए हजारों सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं और काली टोपी वाले के पास ना तो प्रोग्रामिंग की नॉलेज है और ना ही एसईओ की। वही 15 साल पुराने पैतरे हैं जो लोग उलट पलट कर ट्राई करते रहते हैं। ऐसी ट्रिक्स को जब आप किसी नई वेबसाइट पर ट्राई करते हैं तो पहले कुछ नहीं होता है क्योंकि वेबसाइट पर इतना ट्रैफिक ही नहीं है कि गूगल उसे नोटिस करे। जब आप साल दो साल उसमें अपना टाइम, पैसा और उम्मीदें खर्च कर देते हैं तब अचानक से एक दिन गूगल आपकी वेबसाइट को नोटिस करता है और मैनुअल पेनल्टी का चालान दे देता है। उस वक्त आपके साथ कोई खड़ा नहीं होता है, कोई भी इंस्टीट्यूट आपका साथ नहीं देता है। सफलता के हजार माई बाप होते हैं और सफलता अनाथ होती है। ब्लैक हैट एसईओ कुछ नहीं होता है। जो इसे सिखाने का दावा करते हैं वो ये बता रहे हैं कि उन्हें एसईओ भी नहीं आता है। और मेरी बात मत सुनिए, मैट कट्स की तो सुनेंगे ना। 2012 के ब्लॉग में मैट कट्स ने लिखा था कि द अपोजिट ऑफ व्हाइट हैट एसईओ इज समथिंग कॉल्ड ब्लैक हैट वेब स्पैम। वी से वेब स्पैम टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम ईमेल स्पैम। मैट एसईओ के साथ व्हाइट हैट को भी बड़ा सरकास्टिकली यूज कर रहे हैं, बट इवन सिर्फ लिखने के लिए भी वो व्हाइट हैट एसईओ के ऑपोजिट में ब्लैक हैट एसईओ नहीं लिख रहे हैं, ब्लैक हैट वेब स्पैम लिख रहे हैं। सो जो ब्लैक हैट एसईओ सिखाने का दावा करते हैं, चाहे वो ब्लॉग हो, यूट्यूब वीडियो हो या भारी भरकम इंस्टीट्यूट, वो आपको सिर्फ स्पैमिंग सिखा रहे हैं। स्पैमिंग मत सीखिए, स्पैमर मत बनिए, एसईओ सीखिए। इस वीडियो को झेलने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कल मिलते हैं हमारी गूगल सर्च कॉन्सोल सीरीज के अगले पार्ट में, जहां आप स्पैमिंग नहीं एसईओ सीखते हैं। माय नेम इज अमित तिवारी फ्रॉम amittiwari.net। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।